अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वी आर कंटिन्यूइंग क्लास सिक्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6A एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज एक्सरसाइज 6A ऑन पेज नंबर 86 एंड टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड यू सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट्स मनी टू बाय चॉकलेट्स एंड द रेस्ट ऑफ परचेज च्युइंग गम। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द चॉकलेट्स टू दैट स्पेंड ऑन च्युइंग गम्स। ठीक है, कहते हैं समीना है अपने पैसों का 3/4 ऑफ हर पॉकेट्स वो चॉकलेट्स के ऊपर खर्च करती है जबकि बाकी जो है वो च्युइंग गम पे खर्च करती है। तो कहते हैं कि जो पैसे वो चॉकलेट्स पे खर्च करती है, जो च्युइंग गम पे खर्च करती है, उनमें रेशो बताइएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें समीना की जो पॉकेट टोटल पॉकेट मनी है वो बताया नहीं है इसमें। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें समीना की जो टोटल पॉकेट मनी है वो कहीं गिवन नहीं है। सिर्फ ये बोला हुआ है कि 3/4 ऑफ द पॉकेट मनी वो किस चॉकलेट्स के ऊपर, बाकी जो है वो च्युइंग गम के ऊपर खर्च करती हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा कि टोटल पॉकेट मनी हम कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। हम 1 ले सकते हैं, हम 100 ले सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चूंकि हमें रेशो निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट्स जो टोटल पॉकेट मनी है वो हम 100 रुपीज़ लेते हैं। ठीक है, 1 भी ले सकते हैं। चलो मैं दोनों सॉल्व करके देता हूँ, आपसे दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, लेट ये क्वेश्चन नंबर जो है 5। ठीक है, और लेट हम कर लेते हैं, अपनी तरफ सपोज कर लेते हैं। लेट टोटल पॉकेट मनी इज इक्वल टू RS 100 है। ठीक है, हमें रेशो निकालनी है तो लेट से सपोज करें कि हम उसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर जो मनी है, मनी स्पेंड ऑन चॉकलेट तो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ द टोटल पॉकेट मनी, इस तरह से आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? 3/4 ऑफ द टोटल पॉकेट मनी आपके पास वो किस चीज के ऊपर खर्च कर रही है, चॉकलेट के ऊपर। ठीक है, तो मनी स्पेंड ऑन चॉकलेट इज 3/4 ऑफ द टोटल पॉकेट मनी। अब टोटल पॉकेट मनी हमने कितना लिया हुआ है, 100 लिया हुआ, तो उसमें से 3/4 कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100, 25 × 3 = 75 रुपीज वो चॉकलेट के ऊपर खर्च कर रही है। ठीक है, तो द अमाउंट या द मनी स्पेंड ऑन च्युइंग गम वो कितना हो जाएगा, टोटल 100 है और 75 रुपीज़ वो चॉकलेट के ऊपर खर्च कर रही है, तो जो माइनस कर देंगे तो बाकी RS 25 रुपीज़ वो किस चीज़ के ऊपर खर्च कर रही है, वो च्युइंग गम के ऊपर। अब ये एक्चुअल हमारे पास ये अमाउंट है नहीं, इसलिए कि 100 रुपीज़ तो मैंने अपनी तरफ से सपोज किया हुआ है, ऐसा तो कुछ कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक है, अब इनमें रेशो क्या हो जाएगी, ठीक है, रेशो हमारे पास आ जाएगी, हम क्योंकि अब क्वेश्चन है रेशो निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी, फिर नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि अमाउंट स्पेंड ऑन च्युइंग गम चॉकलेट रेशो अमाउंट, इसको बहुत ज़्यादा हो, हम सिर्फ ये कर लेते हैं, एक काम करते हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो चॉकलेट लिख लेते हैं, रेशो च्युइंग गम लेते हैं। हम ये कर लेते हैं, ठीक है, तो चॉकलेट के ऊपर कितना खर्च हुआ है, RS 75,
और च्युइंगम के ऊपर कितना खर्च हुआ हुआ है? Rs 25। ठीक है, तो 25 के टेबल से कट सकता है या 5 के टेबल से करें, चलिए 25 3 75, लेकिन हम 5 के टेबल से कर लेते हैं। तो 5 1 5 5 5 25 5 5 25 5 3 15 5 1 5, तो 3:1 चॉकलेट टू च्युइंगम रेशो जो हमारे पास आ रही है। ठीक है, चॉकलेट रेशो च्युइंगम क्या हो जाएगा? वो है 3:1। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब अगर ये जरूरी नहीं है कि हम 100 रुपीज लेते, अगर मैं 1 रुपये ले लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है, अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, सपोज करते हैं कि हम इसको 1 ले लेते हैं, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड दोनों मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट द पॉकेट मनी इज इक्वल टू Rs 1। ठीक है, तो 3 मनी या अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3/4, या इसको हम लिख सकते हैं 0.4 लगा के डिसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो चले 3/4 ही लिख दे, कोई इशू नहीं है, फिर वो 3/4 लिख दे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अमाउंट स्पेंड ऑन च्युइंगम, ठीक है, ये हमारे पास जो है, ठीक है, च्युइंगम है, इज इक्वल टू 1, टोटल 1 है, और उसमें से माइनस 3/4 कर देंगे, क्योंकि 3/4 खर्च हो रहा है किस चीज़ के ऊपर? चॉकलेट्स के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 हो जाएगा। ये मेथड आपको आता है एलसीएम लेने का? ठीक है, इधर नीचे 1 होता है ना, एक्चुअली 1 होता है, तो 1 और 4 का एलसीएम 1 आता है। देखिए 1 4 4, अब ये 4 लेकर आना है नीचे, इधर से 1, ये 1 जो है ना, इससे हम 4 लेकर आएंगे, तो 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जिससे 4 आ जाए? 4 से। देखिए इसको इस तरीके से करें, एक नई चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी। चले मैं दूसरे पेज पे पहले ही सिखा देता हूँ। पहले तो ये देखिए, 1 3/4 हम कैसे करते हैं, 1 3/4, असल में इस कोई भी नंबर होता है ना, उसके नीचे 1 होता है, उसको यूँ लिख सकते हैं। एलसीएम का सीधा सीधा अगर कोई कॉमन टेबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपके पास क्या आता है, 1/4 का। देखिए ये मेथड तो आपको आता है ना यार, ये मेथड तो आपको आता है, अब कोई कॉमन चीज़ ही नहीं है, है ना, तो 1 वैसे ही आ जाएगा, 4 1 4 4 से कर दे तो वही चीज़ आ जाएगी। आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब 4 आ रहा है, अब इसको आपने क्या करना है, इसको 4 बनाना है, तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, 4 1 4 आ रहा है, तो इसको भी हम किस चीज़ से करेंगे? 4 से, समझ रहे हो ना। तो देखिए मेरे पास आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये वाली, ये तो वैसे ही हो जाएगा। अब माइनस, ये माइनस आ रहा है, इस 4 को किस चीज़ से करेंगे जिससे 4 आ जाए? 1 से। देखिए 1 से, तो इधर भी 1 से, तो चीज़ वही सेम हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। इससे मेरे पास आ जाएगा 4 1 4 माइनस 3/4 आ रहा है, इस तरह से 1/4। ठीक है, तो ये मैंने इधर सॉल्व कर दिया, इसका 3 1 3 कर दीजिएगा, तो ये 4 1 4 माइनस 3/4, इससे आपके पास जो अमाउंट खर्च हो रहा है किस चीज़ के ऊपर, जो खर्च हो रहा है च्युइंगम के ऊपर, वो Rs 1/4 है। अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि चॉकलेट लिख दीजिएगा, रेशो च्युइंगम लिख दीजिएगा। ठीक है, चॉकलेट के ऊपर कितना है? 3/4, और
उसके ऊपर कितना है? 1/4। अच्छा, वही के ऊपर कितना है? 1/4। हमने सॉल्व किया ना। अब आप क्या कीजिए, 4 को हटा दीजिएगा, तो दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे से 4 को हटाने के लिए 4 1 4 4, आपके पास क्या आ रहा है आंसर? 1। यही आंसर आ रहा था पहले, ठीक है? तो सेम आंसर है। आप कोई भी अमाउंट ले लें, 1 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, 50 ले लें, 25, जो भी लेंगे, रेशो आपके पास 3:1 रेशो आ जाएगी, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि एन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर। एक मिक्सचर है मिल्क और पानी, दूध में पानी मिलाया हुआ है माशाल्लाह से, सही है? तो मिल्क इन वाटर, द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56 लीटर। इस मिक्सचर के अंदर जो प्योर मिल्क है वो 56 लीटर्स हैं। फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क ऑफ टू वाटर इन द मिक्सचर है। तो बाकी अब देखिए, पहले हमें दोनों का रेशो निकालना है। भाई टोटल 70 लीटर है, उसमें दूध कितना है, बाकी क्या हुआ? पानी हो गया। पानी कितना हो जाएगा? तो आप माइनस करें, 70 - 56, यू गॉट 24, नहीं 14, ठीक है? 56 से 60 हो जाएगा और फिर 14 हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए टोटल मिक्सचर जो हमारे पास आ रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिख दीजिएगा, मर्जी आपकी, ठीक है? या टोटल मिक्सचर हम लिख लेते हैं, वो 70 लीटर्स है, ठीक है? प्योर मिल्क कितना है? 56 लीटर्स हैं। तो वाटर कितना हो जाएगा? 70 - 56 = 14 लीटर्स हो जाएगा। रेशो हम निकाल लेते हैं, रेशो ऑफ मिल्क जो पूछा हुआ है, देखिए मिल्क टू वाटर लिखा हुआ है या वाटर टू मिल्क लिखा हुआ है, ये देखना पड़ेगा। मिल्क टू वाटर लिखा हुआ है तो पहले मिल्क आएगा फिर वाटर आएगा। रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो ये देखिए लिख दीजिएगा, मिल्क रेशो वाटर। मिल्क हमारे पास कितना है? वो 56। वाटर कितना है? 14। 7 के टेबल से 7 8 ऐसे 14 के टेबल से डायरेक्ट हो जाता है, मैं चले छोटे से कर लेता हूँ। 7 8 56, 7 2 14, 2 4 8, 2 1 2, ठीक है? सो 4:1 इज द आंसर, हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है?